दोस्तों आप सभी ने तो दिल्ली यूनिवर्सिटी 2021 एडमिशन प्रोसेस सीयू सेट के बारे में सुन ही लिया होगा। सीयू सेट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसके बारे में आपने बहुत ही अच्छे से आपने सुन लिया होगा कि सीयू सेट जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लागू होने वाला है और 2021 न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो है ये एंट्रेंस टेस्ट देना अनिवार्य है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। तो सीयू सेट जो है वो पहले से ही लागू था हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, जैसे कि BBA, BMS एटसेट्रा कोर्सेज़ के लिए जो है प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए सीयू सेट लागू था। लेकिन ट्रेडिशनल कोर्सेज़ के लिए जो है वो एंट्रेंस टेस्ट नहीं था, लेकिन अब जो है UGC और गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस कर दिया है कि 2021 में जितने भी एग्ज़ाम्स एडमिशन्स होंगे वो सारे जो होंगे वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी लेगी उन सभी का, और फिर स्टूडेंट्स की जो है वो एडमिशन किया जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो आई होप कि आप सभी को पता होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट्स में जो है 50% की वेटेज जो है मिल रही है आपके बोर्ड के मार्क्स की, और 50% मार्क्स जो है आपको सीयू सेट के अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। तो इससे बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है बेनिफिट होगा सीयू सेट के कारण, क्योंकि मेरिट बेस पर जो एडमिशन होते थे वो अक्सर मेरिट बेस वाले एडमिशन हाईएस्ट मेरिट जाती थी उनकी, और कट ऑफ भी हाईएस्ट जाती थी, जिससे बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वंचित रह जाते थे, एडमिशन नहीं ले पाते थे। लेकिन सीयू सेट के जरिए अब सारे स्टूडेंट्स जो है अप्लाई कर सकेंगे अपने एडमिशन्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। और जैसा कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि सीयू सेट जो है वो अभी 2021 जो स्टूडेंट्स अभी 12th में हैं और बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, अभी डेट भी अनाउंस नहीं हुई, डेट अनाउंस हो गई है कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स की, और पेपर अभी नहीं हुए हैं लेकिन पेपर होने बाकी है। हालांकि बिहार का जो है रिज़ल्ट आ गया है, बिहार में पेपर भी हो गए हैं, रिजल्ट्स भी आ गए हैं, तो बिहार के स्टूडेंट्स जो हैं अब दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालेगी जब भी, और उसको ऑफिशियल अपडेट देगी, तो हम इसके चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे सीयू सेट के बारे में। और सीयू सेट से रिलेटेड जितने भी आपके कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स के जरिए हम आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप सभी जो है सीयू सेट के लिए तैयार हो जाइए। सीयू सेट में जो कॉमन पैटर्न है सीयू सेट एग्ज़ाम्स का, सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालती है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने के बाद आप सभी का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिजल्ट आ जाएगा, तो 50% मार्क्स जो हैं आपको आपके जो हैं वो जुड़ेंगे आपके बोर्ड स्कोर, और 50% मार्क्स आपके सीयू सेट एग्ज़ाम में जितने आपने स्कोर किया है उतने, तो इन दोनों मार्क्स को मिलाकर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, परसेंटेज कैलकुलेट किए जाएंगे, परसेंटेज निकलेगी, उसके बाद फिर आपको कॉलेज चूज़ करना होगा, और कॉलेज जिस भी कॉलेज की परसेंटेज आपकी परसेंटेज से मैच हो रही है जिस भी कॉलेज की, तो उस कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन ले लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो ये कुछ जो है सीयू सेट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब भी निकलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है सीयू सेट इस बार लागू होगा, तो इस प्रकार से आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिर एडमिट कार्ड, फिर रिजल्ट, फिर परसेंटेज, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये कुछ जो है जरिए आपको अपनाने पड़ेंगे, और इन सभी पॉइंट्स के जरिए आप सभी स्टूडेंट्स का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा सफल। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।